नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ छवि। देश में पेट्रोल डीजल गैस के बढ़ते अनियंत्रित दाम, महंगाई एवं किसान विरोधी कानून के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के आह्वान पर आजाद बहादुर सिंह जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं अनुपम गौतम जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष शहडोल के नेतृत्व में गोहापारू से जिला शहडोल के गांधी चौक तक महिला कांग्रेस, ITCL प्रकोष्ठ, समाज सेवा प्रकोष्ठ, शिक्षक प्रकोष्ठ, किसान प्रकोष्ठ, रामपाल सिंह पूर्व विधायक एवं हजारों कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च निकालते हुए एवं पूरे जिले में आधे दिन का बंद रखवाते हुए कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपते हुए पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते दामों एवं विरोध दर्ज करवाया। साथ ही राष्ट्रपति से पेट्रोलियम के बढ़ते दामों को कम करने का अनुरोध किया गया। केंद्र सरकार के नाकामी एवं महंगाई पर अनियंत्रण और पेट्रोलियम पदार्थों में लगे मनमाने टैक्स से देश प्रदेश का सभी वर्ग परेशान है। उक्त पैदल मार्च एवं जिला बंद करवाने और ज्ञापन सौंपने में शिम्पी अग्रवाल जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस, सीमा सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस, अनिल मिश्रा मंडलम अध्यक्ष, सुफियान खान एवं युवा महासचिव नीरज द्विवेदी, प्रदेश सचिव अभिषेक शुक्ला, युवा अध्यक्ष विधानसभा जय सिंह नगर कुलदीप निगम, नगर पालिका उपाध्यक्ष दानिश अहमद पार्षद, समीर खान पार्षद, नीरज शर्मा, प्रेमधारी सिंह मार्को, विद्या शरण द्विवेदी, श्रीनिवास शर्मा, विनय सिंह, वाल्मिक द्विवेदी, रामलखन तिवारी, राम नरेश तिवारी, निशांत जोशी युका महासचिव, रेणुका शुक्ला, हरिमोहन तिवारी, सभी खान अध्यक्ष, मीडिया प्रभारी वसीम खान, मुशरान खान युका महासचिव, विनोद पाठक, लल्ला कोल, सेनू खान, इकराम अली, आरिफ ध्रुव ताम्रकार, साहिल रिक्की, अब्बास अली, हारिश खान, रोहन चौहान, आदेश सिंह, अभिषेक यादव, विकास, शिवम यादव, कृष्णपाल यादव, शिवम विशु एवं हजारों की तादाद में कांग्रेसजन उपस्थित होकर विरोध जताया और ज्ञापन सौंपा।